अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से होंगे, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपके साथ आगा अली तकी। आज हम बनाएंगे स्पेरो और आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पे और शेडिंग पे ध्यान देना है। देखें कि किस तरीके से स्पेरो हम सिंपल तौर पे बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास 6 भी मौजूद होनी चाहिए, 2 भी मौजूद होनी चाहिए और 4 भी मौजूद होने चाहिए। ये पेंसिल्स आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले हम 2B के साथ ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने से पहले आपको पता है कि हम लोग ग्राफ लाजमी बनाते हैं, तो हम पहले स्पेरो का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम छोटा सा सर्किल दे रहे हैं। हमने ये सर्किल दिया है और उसके बाद हम एक बड़ा सा ओवल देंगे। और अगर आप इसका मुंह चाह रहे हैं कि खुला हो, तो आप 2 ट्रायंगुलर बना दें। और उसके बाद आप ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अभी ग्राफ को हम लोग कैसे जो है वो एक शक्ल में लेकर आएंगे, तो वो ज़रा आप देख लें। इसी तरीके से आपने जो है वो ड्राइंग करनी है। किसी बात की जल्दी नहीं होनी चाहिए आपके काम में, और आराम आराम से आप करते हुए आएं। मैं चाहूँगा कि इसको स्टिक पे बिठा भी देते। आप ग्राफ की मदद से ड्राइंग अच्छे से अच्छी बना सकते हैं। हम इसका एक पर भी निकाल लेते हैं यहाँ से। अभी आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो बर्ड्स की चोंच होती है ये जो, तो उसी के साथ ही जो है वो उनका आँख होती है। जैसे हमारे कानों के लेवल के साथ जो है वो आँख होती है, तो इनकी चोंच के हिसाब से जो है वो आँख बनाई जाती है लेवल पे।
अभी हम सबसे पहले तो शेड स्टार्ट करेंगे और उससे पहले हम ये ग्राफ मिटा दें ताकि ये लाइंस आपकी परेशानी का सबब ना बने। सिक्स भी हम उठाएंगे और शेडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। आप अगर ज़्यादा डार्क काम पसंद करते हैं तो आप 9B भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे इनके पंख होते हैं तो आपको शेडिंग में थोड़ा सा ध्यान देना होगा इसकी। वाइटनेस और शेडिंग को एक साथ जो है वो चलाना है आपने। रियलिस्टिक चीज़ें जब आप बनाते हैं तो उनमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है इन चीज़ों से। आप जो स्ट्रोक्स होते हैं, हालांकि ब्रश के भी नहीं होते, सिर्फ पेंसिल के भी स्ट्रोक्स होते हैं जो बिल्कुल ही आपको वो चालाकी के साथ और काम को मद्देनज़र रखते हुए वो मारने होते हैं। और आप देख रहे होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्रिएटिविटी आती जा रही है इसमें, जिसके हम मुंतज़िर थे। आपने इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शेड जहाँ से आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पे मारें। अगर आप अपनी तरफ से शेड मारेंगे तो वो चीज़ मतलब कि रियल नहीं लगती, मैच नहीं होती सब्जेक्ट के साथ।
शेड को आपने बिल्कुल ध्यान से चलाने हैं, ताकि जो चीज़ आप मेहनत कर रहे हैं जिस पे, तो वो आपको हासिल हो। सारा काम स्ट्रोक्स का होता है, पेंसिल स्ट्रोक्स किस तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा आपने मद्देनज़र रखना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्पैरो आज अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और आपके काम का मुंतज़िर हूँ मैं कि आप भी कुछ काम करके दिखाएं मुझे और देखें कि आप किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं और आपके हाथ में कितनी क्रिएटिविटी आ चुकी है। तो आप काम जल्दी से मेरे पास सेंड करें बना के।
तो जैसा कि स्टूडेंट्स, ये आज हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई चीज़ के साथ।